हाँ जी, तो आज की वीडियो में मैं ऑस्कर और जो मार्वल का जितना भी कंफ्यूजन हो रहा है आप सब लोगों को, वो आज इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। क्या डिफरेंसेस हैं ऑस्कर में और क्या मार्वल में डिफरेंसेस हैं, सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी सुन लो, अदरवाइज फिर से कंफ्यूजन में चले जाओगे, कमेंट सेक्शन में जाके परेशान होते रहोगे। मैं तो रिप्लाई करूंगा, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ मैक्सिमम, क्योंकि बात है ऐसी घर जैसी एकदम। तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इसी वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो। मैंने इस वीडियो को 1.5x पे करके देख लो। तो ये वाली चेयर जो थी, ये मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज कराई थी। तो बेसिकली जब ये कस्टमाइज होके आई, तो उसके उसके बाद इस चेयर का कोई नाम नहीं था, किसी का कोई कुछ पार्ट ले लिया किसी चेयर का। 3D आर्मरेस्ट होते नहीं थे तब, इस बजट में 3D आर्मरेस्ट लगा दिए, सिंक्रोनस मैकेनिज्म लगा दिया। तो बेसिकली ये चेयर, आप इसको, इसका कोई नाम है नहीं। इसके बेसिस पे जब लोगों की डिमांड आनी शुरू करी, तो कंपनी ने अब इसको साइड में रख दिया थोड़ा सा। कंपनी ने फिर बनाई ऑस्कर चेयर, और ऑस्कर के बाद ऑस्कर से कुछ बेटर बनाने के लिए उन्होंने मार्वल बनाई। एक मॉडल दूसरे का अपग्रेड है, तो मार्वल सबसे ज्यादा अपग्रेडेड मॉडल है। इसके लिए मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट किया था कि सर आप प्लीज एक मार्वल चेयर मेरे को भेज दो, मैं प्लीज खुद से देखना चाहता हूँ सारी चीजें। तो उन्होंने मेरे को ये चेयर भेजी है, और रिव्यू करने के बाद ये चेयर वापस चली जाएगी कंपनी के पास। तो एटलीस्ट मैं सब चीजें देख सकता हूँ, और मैं देख पाऊंगा तो आपको भी बेटर बता पाऊंगा, और वीडियो के थ्रू दिखा भी पाऊंगा। तो ये सारा हमने प्लान किया है। तो ये फिलहाल मेरे पास मार्बल चेयर है, और जो ऑस्कर चेयर के डिफरेंसेस है, कुछ इसमें से आ जाएंगे, कुछ चीजें इसमें से आ जाएंगी, तो आपको क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल हम मार्बल को लेके चल रहे हैं, और मैं बताता हूँ डिफरेंसेस कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं ऊपर से। तो हेडरेस्ट जो है जैसा मार्बल का है, बिल्कुल इसी तरह का ऑस्कर का भी हेडरेस्ट है, लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में। जो मार्बल का हेडरेस्ट है, इसको हम डायरेक्टली अप एंड डाउन कर सकते हैं, कोई इसमें कुछ बटन वगैरह प्रेस नहीं करना पड़ता। लेकिन जो ऑस्कर का हेडरेस्ट है, उसमें पीछे बटन दिया हुआ है, जैसे इस वाली चेयर में ये बटन दिया हुआ है, यहां से इसको प्रेस करके और तब अप डाउन करना पड़ता है। ऐसे ऑस्कर चेयर में इस तरह का है, मार्बल मैंने आपको दिखा दिया, मार्बल भी ठीक है। तो और हेडरेस्ट की शेप दोनों की सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आ जाते हैं बैक रेस्ट पे। तो जो बैक रेस्ट है मार्बल का, पहली चीज, पहला डिफरेंस आता है, जो बड़ा डिफरेंस है, जो बैक रेस्ट इसका फ्रेम है, मार्बल का जो फ्रेम है, ये बेटर क्वालिटी का बना हुआ है। ये ग्लास फाइबर प्लस पॉलीकार्बोनेट, समथिंग लाइक दैट। तो मैं एक बार नीचे मेंशन कर दूंगा कि क्या क्या मटेरियल से बना हुआ है। और इसकी जो फिनिशिंग है, ये स्मूथ है, ये स्मूथ फिनिशिंग है, और बेटर बेटर मटेरियल के साथ बनी हुई है बैक रेस्ट का जो ये पूरा फ्रेम है। और जो ऑस्कर है, ऑस्कर का फ्रेम आपको इस तरह का देखने का मिलेगा। एक तो ये स्मूथ नहीं है, रफ है सरफेस, और जो जो मटेरियल है, ये थोड़ा सा इस वाले मटेरियल से डाउनग्रेडेड है। इसमें कुछ क्वालिटी इश्यूज भी कंपनी ने फेस करे थे ऑस्कर में। तो मार्बल का बैक रेस्ट का फ्रेम बेटर है। दूसरी चीज, मार्बल में जो मैश यूज करी गई है, ये प्रीमियम क्वालिटी की मैश है एज कम्पेयर टू ऑस्कर। ऑस्कर में मैश यही वाली यूज करी गई है, जो इस चेयर में वो सेम ऑस्कर में यूज करी गई है। तो डेफिनेटली मैश जो है वो मार्बल की बेटर है। डबल स्टिचिंग में इसका आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ कि किस तरह दिख रही है ये वाली मैश, तो आप सिर्फ देखने से समझ जाएंगे कि ये वाली मैश की क्वालिटी जो है काफी उस वाली से बेटर है। अब आते हैं सीट पे। जो सीटिंग एरिया है मार्बल का और ऑस्कर का, वो एग्जैक्टली सेम है, ऐसे वाला सेम, कोई डिफरेंसेस नहीं है। 3D आर्मरेस्ट पे आ जाते हैं। 3D आर्मरेस्ट दोनों के सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। जो 3D आर्मरेस्ट की स्मूथनेस है, वो अच्छी लगी मुझे, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। तो 3D आर्मरेस्ट अच्छे हैं। अब बात आती है सिंगल लीवर की। तो गाइस, जो मार्वल है इसमें भी सिंगल लीवर मिलेगा, ऑस्कर है उसमें भी सिंगल लीवर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बात यह है कि ये सिंगल लीवर हमारी चेयर के दोनों टास्क करता है। देखो, ये अप एंड डाउन मूवमेंट भी यही लीवर करता है, और लॉकिंग भी चेयर की यही कर देगा, और मल्टीपल पोजीशन पे लॉकिंग कर देता है। तो अब ये डिफरेंस है कि ये सिंगल लीवर ही मल्टीपल पोजीशन पे लॉक भी कर रहा है और अप एंड डाउन कर रहा है। तो हमें दो
लीवर की जरूरत है ही क्या जब एक ही लीवर से दोनों काम हो सकते हैं। तो मुझे तो इसमें कोई इशू नहीं लगता कि अगर सिंगल लीवर से हमारे दोनों काम हो रहे हैं तो बढ़िया है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा कि मल्टीपल लॉकिंग और जो सारे लेवल पे लॉकिंग है वो डिफरेंस है। तीन तरह की लॉकिंग होती है, एक होता है सिंगल लॉक, तो उसमें सिर्फ एक ही पोजीशन पे आप लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आता है मल्टीपल लॉकिंग सिस्टम, जहाँ पे आप तीन या चार लेवल पे लॉक कर सकते हैं चेन को। और उसके बाद आता है जो ऑल लेवल पे लॉक कर सकते हैं, तो कहीं पे भी आप जहाँ पे भी होंगे वहीं पे रुक जाएगी। मार्वल और ऑस्कर में दोनों पे मल्टीपल लॉकिंग सिस्टम के साथ मिलेगा आपको, और मल्टीपल है, थ्री थ्री प्लेसेस पे आप चेयर को लॉक कर सकते हैं। तो ये वाली थ्री प्लेसेस पे होगी। अब जो टोटल इसका जो मैक्सिमम रिक्लिनेशन है वो ये है, रिक्लाइन 90 डिग्री से यहाँ तक हमें तीन लॉक मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीन लॉक काफी होते हैं। और एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऑल लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं है। दूसरी बात, दोनों में ही आपको सिंक्रोनस मैकेनिज्म मिलेगा देखने को। तो सिंक्रोनस मैकेनिज्म का मतलब है कि जब आप पीछे रिक्लाइन करेंगे तो आपकी जो सीट है, अगर पीछे आप 2 डिग्री रिक्लाइन करते हैं तो जो आपकी सीट है वो 1 डिग्री ऊपर होगी। और अगर ये सिस्टम आपकी चेयर में सिंक्रोनस मैकेनिज्म नहीं होता तो चेयर भी ठीक उसी उसी रेशो में मूव करेगी। 2 डिग्री पीछे गए तो चेयर भी 2 डिग्री ऊपर उठ जाएगी। तो होता क्या है, उसमें आपके पैर भी ऊपर उठने चालू हो जाते हैं। आप पीछे रेस्ट करेंगे लेकिन आपके लेग्स जो है वो सरफेस से ऊपर आ जाएंगे, वो ठीक नहीं रहेगा। सिंक्रोनस मैकेनिज्म होने का ये बेनिफिट मिलता है, ये दोनों में आपको मिलेगा। जो नीचे का बेस है, जो प्रॉन्ग्स है, वो दोनों के सेम है, टायर्स दोनों के सेम है, और जो हाइड्रोलिक्स यूज करी गई है वो सेम है। तो गाइस एक बात नोटिस करने वाली ये है, मतलब अमेजोन के थ्रू जो चेयर डिलीवरी कर रहे हैं, एक तो उसमें 2 ईयर्स की वारंटी है, और वेबसाइट से 1 ईयर की वारंटी मिल गई थी, लेकिन अमेजोन से 2 ईयर्स की वारंटी है। थोड़ा प्राइस का डिफरेंस है, चेक करना आप, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। प्लस डिलीवरी जो है वाया अमेजोन फास्ट रहेगी, जो कंपनी पहले डिलीवर कर रही थी वो 10 to 12 डेज ले रही थी। मोटा मोटा डिफरेंस आता है सिर्फ दो चीज़ों का, एक तो इसकी मैश क्वालिटी बेटर है, जो इसमें पीछे फ्रेम यूज किया गया है ये बेटर है, और बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अब मैं अगर आपको सजेस्ट करूं जितना प्राइस डिफरेंस है उसको देखते हुए, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप मार्वल के लिए ही जाओ, और मैं बोलूंगा कि देखने में भी ये काफी बेटर लगती है। तो गाइस वैसे तो मैंने आपको इसके ऑस्कर और मार्वल के सारे डिफरेंसेस बता दिए हैं, तो लेकिन मैं सोच रहा हूँ लगे यहाँ से इसके सारे मेजरमेंट्स भी बता दूँ, इनकेस आपको मार्वल लेनी हो तो आपके लिए थोड़ी सी और हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मेजरमेंट्स में कई बार आपको चीजें पूछनी होती है कि मैक्सिमम हाइट मिनिमम हाइट क्या होगी। तो मैं मेजर करता चलता हूँ आपके साथ साथ, आप नोट डाउन करते रहो, और स्क्रीन पे भी दे दूंगा। मैं स्टार्ट करता हूँ बैक रेस्ट से, 21.5 इंचेस, यहाँ से यहाँ तक 21.5 इंचेस है, तो हेड रेस्ट तक लगभग है 31 इंचेस, यहाँ तक 31 इंचेस है। मिनिमम हाइट सीट की है 17 इंचेस, मैक्सिमम हाइट, सीट की डेप्थ है 20 इंचेस, और सीट की विड्थ है ऑलमोस्ट 20 इंचेस। ठीक है, आर्म रेस्ट मेजर कर देता हूँ आपके लिए। आर्म रेस्ट का लेंथ है इसका 10 10.5 इंचेस, और इसका विड्थ है 3.5 इंचेस से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये सारी मोटी मोटी मेजरमेंट्स जो आप लोगों को जाननी होती है। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा ये मार्वल में और ऑस्कर में भी, और जो मेरे पास भी थी, थोड़ी सी कर्व बैक होती है। तो अगर आपको कर्व बैक में बैठने में थोड़ी बहुत भी अगर आपको लगे ना कि अनकंफर्टेबल हो रहा है, या स्ट्रेट बैक होनी चाहिए थी, तो मैं बताता हूँ आपको, आप इसका जो ये लंबर सपोर्ट है ना, इसको घुमाते रहें, ये आगे को थोड़ा पुश होता जाएगा, और एक लेवल के बाद ये बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, फिर इसको उठा के बाहर निकाल सकते हैं, तो ये रिमूवेबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने वाला बाद में निकाल के चेक कर लिया था और ये निकल गया था। तो अगर आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, लंबर सपोर्ट यूज ना करना हो तो वैसा भी कर सकते हैं। तो सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी हैं, और
कंफर्टेबल तो ये वाली शेयर भी ठीक ठाक लग रही है मेरे को काफी। ठीक है कंफर्टेबल है और ठीक है स्मूथ भी लग रही है। हाँ एक हैक और बताऊँ आपको, मतलब मैंने इतने टाइम में ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि हेडरेस जो है ना, जैसा परफेक्ट हेडरेस आप चाहते हो वो किसी भी चेयर में नहीं है, 18,000 वाली में भी नहीं है और इन किसी में भी हेडरेस होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि हम ऐसे सीधे बैठ के काम करते हैं, हेडरेस कब काम आएगा, हेडरेस जब काम आएगा जब आप रेस्ट करना चालू रेस्ट करेंगे। मतलब ये देखो मैं सीधा बैठा हूँ, अभी मैं सीधा बैठा हूँ हेडरेस काम नहीं आएगा, लेकिन जब मैं रेस्ट करूंगा तब मेरे को हेडरेस्ट काम आएगा। तो क्या कुछ ऐसी पॉसिबल तरीका है कि मेरे को थोड़ा बहुत भी अगर मैं पीछे करूँ तब भी मेरे को रेस्ट मिले, सपोर्ट मिले? तो मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड रुकना। तो गाइस ये मैंने मिनीसो से लिया था, मतलब तब मेरे को आइडिया नहीं था मैं क्या करूँगा। मैंने सोचा था कि कार में जाके लगा लूंगा, लेकिन इसमें लगाने का कोई तरीका तो था नहीं, बस एक ही ऐसे लटकाने के लिए ये लूप सा दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अपने गर्दन में ऐसे पीछे यहाँ रख लेता हूँ। अब आप देखो बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हूँ मैं, लेकिन स्टिल इट इज सपोर्टिंग राइट। तो ये मिनीसो से खरीदा था खाली 99 रुपीज का मैंने, तो पता नहीं ऐसी डील मतलब ऑनलाइन कहीं पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरे को अच्छा लग रहा था कुशन, इसमें से चेन खोल के अंदर से वो निकल जा रहा है फॉर्म, तो आप इसको ये वॉश भी कर सकते हैं, वॉशेबल हो जाएगा ये। मेरे पास चेयर है जो दूसरी वाली चेयर है ऑप्टिमा, उसके पीछे मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, ऐसे यहाँ पे पड़ा रहता है ये, यहाँ तो पता नहीं टिकेगा नहीं टिकेगा। उस वाली चेयर में पीछे स्पेस है थोड़ा सा, तो वहाँ पे इसको ऐसे रख देता हूँ, और जब जरूरत होती है इसको निकालता हूँ और ऐसे लगा लेता हूँ, तो ये बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है इससे। तो मुझे लगा कि अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है तो मैं बता देता हूँ, उसको यूज़ करो फिर। ये छोटा सा हैक था, मतलब यूज कर सकते हो। और लिंक अगर मिला मुझे कुछ इस टाइप की चीज का तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुश्किल ही लगता है मेरे को कि कुछ ऐसा 99 रुपीज में या मतलब बजट में कुछ ऐसी चीज मिल जाए, बट अगर मिली तो मैं डाल दूंगा नीचे। बस अब प्लीज कंफ्यूज मत होना कि ऑस्कर में और मार्वल में क्या डिफरेंस है। पर हाँ मार्वल की जब मेरे पास ये रही है तो मैंने इसका इंस्टॉलेशन वीडियो भी बना लिया, इन केस आप मार्वल लेते हो और आपको इंस्टॉलेशन वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो चेकआउट कर लेना। दोनों वीडियो मैंने शूट कर ली थी, बस मैं कंफ्यूज था पहले कौन सी वीडियो डालूँ, तो पहले शायद मैं ये वाली वीडियो डाल दूंगा, उसके बाद मैं उसको भी लाइव कर दूंगा, थोड़ा बहुत काम उसमें बचा हुआ है अभी। तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया करो, कभी कोई अपडेट आता है किसी भी वीडियो में तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट करता हूँ लोगों को, बस लोग वहां पे जाके पढ़ नहीं पाते हैं इसलिए कंफ्यूजन होता है। नहीं तो मैं हमें पहले वाली वीडियो में भी सारी चीजें लिखता हुआ आ रहा था कि देखो अभी ये अपडेट हो गया, अभी ऑस्कर आ गई, अब ऑस्कर में ऑस्कर के बाद मार्वल आ गई तो आप मार्वल ले लो, सारी चीजें मैं वहां पे बता रहा था, लेकिन लोग कंफ्यूज थे। तो अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ऑस्कर से बेटर मार्वल है, गो फॉर मार्वल, दैट्स इट। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई बहुत जल्दी नहीं है, भागम भाग नहीं है किसी भी चीज की, आप भी यही हो मैं भी यही हूँ, तो आराम से जब मन करे तब सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, टिल देन बाय, गुड नाइट, टेक केयर।